नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज दो बड़े अहम वाक्य हुए हैं। पहला वाक्य ये कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है और दूसरा वाक्य के ये कि उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अन्य प्रदेशों में किसानों ने कृषि कानून और लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में जगह जगह पर ट्रेनों का चक्का जाम करने का प्रयास किया। कई जगहों पर वो कामयाब भी हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों का ये कहना है कि किसानों का ये जो चक्का जाम था ये बिल्कुल भी प्रभावी साबित नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं लिस्ट गिनाऊं तो किसानों का ये जो आंदोलन है इसमें करीब 50 से ज्यादा ट्रेनों को प्रभावित किया गया है, जिसमें रामपुर, बिलासपुर, बुलंदशहर, मथुरा में पैसेंजर ट्रेन को रोका गया है। इसके अलावा बरेली, पीलीभीत, हापुड़, मुरादाबाद, लखनऊ, अमरोहा, सोनीपत, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, औरैया, गोंडा, ये सारे प्रमुख जिले शामिल हैं जहां पर किसानों ने ट्रेनों को रोकने का प्रयास किया या वो प्रदर्शन कर रहे थे या उन्होंने कहीं ना कहीं ये पहले चेता दिया था कि हम यहाँ पर ट्रेनों को रोक देंगे और कई हद तक वो काफी कामयाब भी साबित हुए। कई जगहों पर उन्होंने ट्रेन रोककर सरकार को ये बताने की कोशिश की कि अगर ये जो कृषि कानून है जिसके विरोध में एक लंबे समय से देश प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है और इसके अलावा लखीमपुर की घटना के बाद अगर गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसी तरह से इस तरह का ये जो प्रदर्शन है ये चलता रहेगा, सरकार की नाक में हम लगातार दम करते रहेंगे और सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो ये जो प्रदर्शन है ये और भी उग्र और भी बड़े पैमाने पर होएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। ये उपाध्यक्ष का चुनाव एक लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत अहम चुनाव बताया जा रहा है क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी अपने प्रत्याशी नितिन अग्रवाल को जिताने में कामयाब रही है। जी हाँ, जिताने में कामयाब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है, जो नतीजे हैं वो घोषित हो गए हैं और 304 मतों से जो 244 मतों से नितिन अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। 60 मत जो है वो नरेंद्र वर्मा को जो कि सपा के प्रत्याशी थे उन्हें पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीते दिनों इस चुनाव की जब घोषणा हुई थी तो ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करके इस चुनाव को जीत ले जाएगी क्योंकि अक्सर यही देखा गया है और अगर विपक्ष के नेताओं की बात अगर मानी जाए तो यही कहा भी जाता रहा है कि जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी पार्टी का प्रत्याशी उपाध्यक्ष घोषित होता है विधानसभा के अंदर। लेकिन इस बार यहां पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित करके एक बड़ी टक्कर जो है वो सपा को देने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें कामयाब भी रही है, नितिन अग्रवाल को जीत हासिल हो गई है। इस पूरे वाक्य में आज जब ये सत्र की कार्रवाई शुरू हुई तो विधानसभा में कहीं ना कहीं हंगामा बहुत देखने को मिला क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जो नेता थे, उन्होंने सड़क पर पहले प्रदर्शन किया, महंगे सिलेंडर को लेकर, किसान को लेकर, लखीमपुर की घटना को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, गन्ने का मूल्य लेकर, इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद जब सत्र के दौरान इसकी कार्रवाई शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष राम चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि आज यहां पर जो होने जा रहा है एक लोकतंत्र की हत्या है, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए काला दिन है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका भी यही कहना था कि बीते लंबे समय से उपाध्यक्ष की कुर्सी पर विपक्ष का ही नेता बैठते आया है लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है उससे यह साफ साबित होता है कि बीजेपी अपने विधायकों का टेस्ट करना चाहती है और वो कहीं ना कहीं अपोजिशन की आवाज को भी दबाना चाहती है। कुछ इसी तरह की बात कांग्रेस ने भी कही। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव से बायकॉट कर दिया लेकिन उनके दो बागी विधायकों ने किस खेमे में वोट दिया ये अभी क्लियर तो नहीं हो पाया है लेकिन जहां तक उनकी जिस तरह से करीबी, क्योंकि अदिति सिंह और बाकी के जो उनके दूसरे विधायक थे जिस तरह से उनकी करीबियां बीजेपी से रही हैं तो ऐसा अनुमान यही लगाया जा रहा है कि उन दोनों ने भी बीजेपी को ही वोट दिया है तो ये अनुमान हो गया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने कहा, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बात को कहा है, कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने इस बात को कहा है कि बीजेपी अपने विधायकों का टेस्ट करना चाहती है, बीजेपी ये चाहती है कि वो ये देख रही है कि उनके विधायक उनकी पार्टी से, उनके नेतृत्व से नाराज हैं और इसी वजह से इस चुनाव को करवाया गया है, वो देखना चाहती है कि क्या उनके खुद के विधायक अपने पार्टी के लोगों को, अपने पार्टी के प्रत्याशी को वोट देते हैं या नहीं देते हैं, इसी वजह से इस चुनाव को कराया गया है। हालांकि चुनाव का नतीजा आ गया है और कहीं ना कहीं अब इन सब बयानों पर पानी फिरता हुआ नजर आया है क्योंकि बीजेपी का प्रत्याशी नितिन अग्रवाल, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल कर ली है। करीब 37 साल बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। 1984 में हुकम सिंह और रियासत हुसैन के बीच में ये चुनाव हुआ था और 14 साल पहले बीजेपी ने राजेश अग्रवाल को यहां से
निर्वाचित घोषित किया था जब चुनाव नहीं हुआ था। तो ये आज दो उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक वाक्य हुए हैं। पहला, किसानों का ट्रेन रोको चक्का जाम करने का प्रयास, जो कि काफी हद तक कामयाब भी हुआ, और दूसरा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर किसान अभी भी मान क्यों नहीं रहे हैं, और किसानों की जो मांग है उस मांग पर सत्ता दल चुप क्यों है। दूसरी तरफ विपक्ष की जो मांग होती है उस मांग को दबाने के लिए आखिर बीजेपी इतनी आतुर क्यों दिखाई दी कि उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित करके विपक्ष की आवाज दबा दी। ऐसा विपक्षी नेताओं का कहना है। क्या उन्हें अपने विधायकों का डर था? क्या वो ये जानते थे कि क्या हमारे विधायक हमें वोट नहीं देंगे? इन सब सवालों के जवाब आज हम इस डिबेट के जरिए लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मेहमानों को जोड़ करके इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। विधानसभा में आज चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। दोनों के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का किसान महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरह लखीमपुर में किसानों की निर्मम हत्या हुई, सरकार और समाजवादी पार्टी उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। अब तक बेटा गिरफ्तार और मंत्री अपने पद पर बरकरार, कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि अजय मिश्रा और टेनी को अब तक बर्खास्त नहीं किया गया? कौन सा ऐसा कारण है कि अब तक किसानों को न्याय नहीं मिला? कांग्रेस पार्टी यह मानती है यह सरकार किसान विरोधी है। आखिर जो अभी अत्यधिक बारिश होने के नाते लोगों के फसल की बर्बादी, उसके मुआवजे पर चर्चा क्यों नहीं? गन्ने के दाम पर चर्चा क्यों नहीं? गन्ने के भुगतान पर चर्चा क्यों नहीं? धान के दाम पर चर्चा क्यों नहीं? अन्ना जानवरों पर चर्चा क्यों नहीं? महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं? बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा क्यों नहीं? आरक्षण पर चर्चा क्यों नहीं? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर चर्चा है? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में उन विषय और मुद्दों पर चर्चा है जो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? पूरी तरह यह सरकार लोकतांत्रित हो चुकी है। ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह होगा। वो गांव वालों को, डिस्ट्रिक्ट वालों को, सबको पता रहता है कि आपको कहां रोकना ही है। यहां पे गाजियाबाद की बात करें तो मोदी नगर है, मेरठ की बात करें तो परतापुर उसके आसपास है, और मुजफ्फरनगर में दो तीन जगह है, सहारनपुर में है, इसी तरह से ये लखनऊ वाली बेल्ट पे, तो पूरे देश भर में वहां के लोगों को पता रहता है कि हमको कहां ट्रेन रोकनी है। हमारे से भारत सरकार ने अभी कोई बातचीत नहीं करी है। जब तक अजय टेनी गिरफ्तार नहीं होता, ये आंदोलन जारी रहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे, मीटिंगें होती रहेंगी। इस महीने से लगातार बॉर्डरों पर किसान बैठा है भूखा प्यासा, और सड़कों पर बैठने को आसान बात नहीं होती है। किस तरह बैठा, किस तरह दिन गुजार रहा है, बरसात हुई, आंधी पानी में बैठा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी एक अपील है कि जो बातचीत बंद है उसको जारी किया जाए, और जारी करके बातचीत करके तीनों कानून जो है, कृषि कानून जो सुधार के लिए नाम पर कहे जा रहे हैं वो किसानों के विरोध में है, किसानों के विरोधी कानून है, उनको रद्द किया जाए। और लखीमपुर का अपराधी अशीष मिश्रा, उसका पिताजी गृह राज्य मंत्री वहां पर बैठा है, उसके रहते कोई न्याय किसानों को नहीं मिलने वाला, उनको तुरंत जो है वहां से बर्खास्त किया जाए और किसानों के साथ न्याय हो। ये हम लोग, हमारी अपील है। सब जाम था क्योंकि विपक्षियों ने पहले सत्र शुरू होने से पहले विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरकर सिलेंडर को लेकर, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर, और सबसे अहम उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर। तो दूसरी तरफ अगर हम सदन के बाहर निकले तो रेल की पटरियां जाम करने का प्रयास किसानों का था, और उसमें काफी हद तक उन्हें कामयाबी भी मिली है। इस डिबेट पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सुधीर कुमार सिंह सिद्धू जी का, जो कि बीजेपी से हैं। इसके अलावा अजय चंद चौबे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यजीत सिंह जी प्रसपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मीसम जैदी समाजवादी पार्टी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास चलूंगा। सुधीर जी, ये बताइए, आज किसानों ने ये जो प्रदर्शन किया है, किसानों ने कोशिश की कि ट्रेनों को रोका जाए, इनकी मांग ये है कि लखीमपुर के जो आपके सांसद हैं और जो आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए, ये नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे रेल रोको अभियान को, रेल रोको प्रदर्शन को आप लोगों ने अनदेखा करते हुए उपाध्यक्ष के चुनाव पर ज्यादा फोकस कर दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बाकी विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था, इसी वजह से आप लोगों ने यह चुनाव करवाया है।
नितिन जी, आपने जो बात कही है इसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पर और अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है और विधायकों को जनता को भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है, जिसका परिणाम 2014 में, 2017 में, 2019 में आप सबके समक्ष आया और आने वाले समय में 2022 में भी आप सबके सामने आ जाएगा। जहां तक रही बात कि विपक्ष ने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर के, रेल चक्का जाम करने का प्रयास करें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की आजादी किसी को नहीं दे सकती है, चाहे वो कोई भी हो। आज देश के अंदर जो कृषि कानून लागू किया गया है, जो सीमांत किसान है हमारा, जो खेती करने वाला किसान है, उसको कहीं पर कोई असुविधा नहीं है। और ये आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, अपना चंद लोगों के द्वारा ये आंदोलन को चलाया जा रहा है। अभी मैं राकेश टिकैत जी की बात सुन रहा था, उनकी भाषा शैली सुन रहा था। मैं राकेश टिकैत जी से कहना चाहूंगा कि कृपया अपनी भाषा शैली को सुधारें, और जिस प्रकार से वो गृह राज्य मंत्री के प्रति उनका भाषा शैली ये बहुत ही अमर्यादित है, इसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। और जहां तक लखीमपुर कांड की बात है, लखीमपुर कांड की जांच प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा चल रही है और उसमें कोर्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और उस जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जिस प्रकार से माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जब मामला न्यायालय में चला गया है और न्यायालय में विचाराधीन है, पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये लोग जबरिया आंदोलन करके कानून के पक्ष में और कानून के विपक्ष में खड़े होकर के ये न्यायालय पर भी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके साथी हैं जो सदन में रहते हैं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, उन्होंने कहा कि आज का दिन काला दिन है, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? देखिए, आज का दिन इनको काला दिन नजर आ रहा है माननीय चौधरी साहब को, लेकिन उस समय इनको काला दिन और काला समय नजर नहीं आया जब पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना बुरी तरह से फैला हुआ था, तब कहीं ना ये रात में निकल रहे थे ना कहीं दिन में निकल रहे थे। आज जब विपक्ष के पास में कोई प्रत्याशी नहीं था तो इतने सालों तक इंतजार किया, जब इंतजार करने के बाद में कोई प्रत्याशी हमें नहीं मिला तो हमने नितिन अग्रवाल जी को, जो एक सर्व समाज के नेता हैं, और उनको हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया और आज उसका पूरा पूरा परिणाम भी सामने आया, पूरे बहुमत के साथ जीत करके वो आए। इनके पास प्रत्याशी विपक्ष के पाने था, इन्होंने प्रत्याशी कौन सा दिया? प्रत्याशी दिया, जबरदस्ती लड़े। जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष में चुनाव लड़ने का काम किया है, 2022 का भी चुनाव ऐसे ही लड़ेंगे जैसे इन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष लड़ा है। अभी 60 सीटें हैं, आने वाले समय में वक्त बताएगा कि इनके साथ में और क्या होता है। ठीक है, ठीक है। मिसम जैदी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, हालांकि आप लोग चुनाव तो हार गए हैं, आप लोग बता रहे थे कि काला दिन है, और जिस तरह से किसान आंदोलन को देखते हुए और लखीमपुर मामले को देखते हुए आज किसानों ने ट्रेन रोकने का भी प्रयास किया, कई जगहों पर यह सफल भी रहा है, हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कहना है कि ये सफल नहीं रहा है। और जैसा कि आपके बीजेपी के साथी अभी कह रहे थे कि नरेश टिकैत की भाषा जो है वो सही नहीं थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को लेकर के, क्योंकि मामला न्यायालय में चल रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि काला दिन आप लोग नहीं कह सकते क्योंकि आप लोगों को अपना जो इतिहास है वो भी देखना जरूरी है। कितना सहमत हैं आपसे आप इस बात से? और दूसरी अहम चीज़ ये है कि आखिर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी देखिए नितिन जी, इनके बारे में बोलने से पहले कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूं। देखिए, ये सरकार तो पूंजीपतियों की हो चुकी है, नो डाउट, खरीद फरोख्त इनका काम है, जोड़ तोड़ की राजनीति ये करते चले आ रहे हैं, उन्होंने यही विधानसभा में दिखाया। इनको लोकतंत्र से, इनको देश के कानून से, इनको संविधान से अब कोई मतलब तो रहने गया। अब ये सत्ता में आ गए हैं, नशे में चूर है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई ऐसा गद्दी, ऐसा शासित राज पकड़ लिया है कि अब ये पूरी जिंदगी अमर अजय हो गए हैं और ये हमेशा राज करते चले आ रहे हैं। क्योंकि अभी ये गिना रहे हैं 2014 और 2017 और 2022 और 2050 और 3000, मतलब ये कहीं रुकने वाले नहीं है। इनको ये जो जीत इनकी हुई है विधानसभा के अंदर, तो इनकी सरकार है, ये पूंजीपति हैं, इनके पास दौलत है, ये पैसा रुपया खर्चा करके जो चाहे कर ले। जमीन पर हकीकत क्या है ये इनको पता लग जाएगी। जब कोई बात प्रोटेस्ट होती है तो ये उसको
डिनाई कर देते हैं हर प्रोटेस्ट को, वो देश विरोधी हो जाता है, कानून विरोधी हो जाता है, न्याय देने से इनसे मतलब नहीं है। अभी इन्होंने एक बात करी कि जो फैसला करेगा न्यायालय करेगा, कोर्ट करेगा, ठीक है हमने भी मान लिया, हम भी न्यायालय को मानते हैं। जब आप बिल्डोजर चलाते हैं अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर, तब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उस वक्त आपकी न्याय प्रक्रिया कहां चली जाती है? उस वक्त कोर्ट के ऊपर आपको भरोसा क्यों नहीं रह जाता है मान्यवर? तब आप क्यों बिल्डोजर चला देते हैं? जब आप ठोकों की राजनीति करते हैं और गोली चलाते हैं तो अब इंतजार क्यों नहीं करते? तब भी आपको इंतजार करना चाहिए। जो काम आपने मंत्री जी के बेटे में किया, किया आपने वही जिसको कहा जाता है कि आपने वही काम किया जो करना था, मगर इतना देर करने के बाद आपने लोगों की भावनाओं को, लोगों की एहसास को जब बिल्कुल छेड़ देते हैं और वो बिल्कुल उग्र हो जाते हैं, तब आप जाके वही काम करते हैं। और यही काम अभी भी आप कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने देंगे तो क्या आप उम्मीद रख सकते हैं? आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर का है का? कौन कौन न्याय देगा? तो न्याय अब जब किसान अपनी बात करने के लिए बाहर आएगा, लोगों को बतलाएगा कि हम इतने दिन से सड़क पर है, ट्रेन रोकेगा, तो आप उसको बताते हैं कि वो अन्याय कर रहा है, वो कानून विरोधी काम कर रहा है, वो देश विरोधी काम कर रहा है। तो इस तरह की राजनीति देखिए इनकी चलने वाली करते रहते इस तरह हैं। की राजनीति इनकी चलने वाली नहीं है, दोहरी नीति चलने वाली नहीं है, और इनको करना देखिए पड़ेगा। नितिन जी आज नहीं कल देर सवेर ये अपने मंत्री को हटाएंगे। अब वो एक अलग की बात है कि कितना दिन और लेंगे और कितने दिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे। वैसे भी मार्च के बाद आप सब ठंडे पड़ जाएंगे, ठीक वक्त आने बता। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये आप लोग तो भैया चुनाव उनाव में थे नहीं, बहिष्कार कर दिया, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अपना टेस्ट करवा रहे थे विधायकों का, काहे के लिए? देखिये भारतीय जनता पार्टी के लोग कलम हीरे की रखते हैं मगर दिमागों से भिखारी हैं। अच्छा, बहुत ही मासूम चेहरा है मगर बड़े ही जालिम शिकारी हैं। चमकती हुई गाड़ियों में घूमते हैं बड़ी बड़ी राइफलें लेके। अच्छा, न जाने ये कैसे सूफी संत और ब्रह्मचारी हैं। ये गोरखपुर में दंगा करा के संसद में रोते हैं, अपना मुकदमा खुद वापस लेते हैं, न्यायपालिका पे खुद नहीं विश्वास करते हैं, और आठ आठ कत्लेआम करके भी किसानों को न्यायपालिका और पुलिस जांच का कहते हैं कि भरोसा करो। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपने पुलिस की जांच पे भरोसा ना हो, न्याय पे भरोसा ना हो, वो दूसरे को दिखावा करते हैं। और इनके प्रधानमंत्री जी की क्या मैं बात करूं, देश बेच बेच के वो अपना झोला भरते हैं। अच्छा। उनका झोला और अंग्रेजों के तम्बू में कोई अंतर नहीं है। चाहे एयरपोर्ट बेच दें, चाहे वो ट्रेन बेच दें, चाहे वो देश बेच दे, झोला है कि अभी भरता ही नहीं। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी 1947 के पहले के जनसंघ पे चली गई है। पहले जैसे ये अंग्रेजों का मुखबिरी करते थे, क्रांतिकारियों का विरोध करते थे, कांग्रेस का विरोध करते थे, अंग्रेजों की सेना में भर्ती होके किसानों पे गोली चलाते थे, नौजवानों पे गोली चलाते थे, उनको आतंकवादी कहते थे, वही काम भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के मद में चूर होके कर रही है। आज किसानों पे मंदसौर में गोली चलाया, लखीमपुर खीरी में जलियांवाला बाग हत्याकांड दोहराया, मतलब चारों तरफ जिधर ही देखे, मतलब ये हत्यारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब हत्या के लिए कहती है कि वो किसान ही जिम्मेदार हैं, वो किसान जिम्मेदार हैं जो अपने साथियों के मौत पे इनसे हिसाब मांग रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में बैठ के बिरयानी खाने का वक्त है, लखनऊ में आके इंदिरा प्रतिष्ठान में खड़े होके कहते हैं कि इंदिरा जी की पार्टी ने इस देश में कुछ नहीं किया, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किया। और इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों का आंसू पोछने 200 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी आप नहीं जा पाते इतने हैं। अच्छे थे अजय भाई, अमृत महोत्सव मनाते हैं, किसानों के हिस्से तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ। अजय भाई ये कह रहा था आप लोग जब इतने अच्छे, सुनिए आप लोग जब इतने अच्छे तो आपके दो बागी विधायक आज बीजेपी को वोट देके आए हैं, क्यों? देखिए भारतीय जनता पार्टी के तीन विधायक वो भी किस संसदीय क्षेत्र के हैं, इस पे भी गौर करिए। भारतीय जनता पार्टी के तीन विधायक भी तो उत्तराखंड में जो है प्रधानमंत्री जी कई दिन पहले गए थे उत्तराखंड दौरे पे और दूसरे दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, और इनके विधायक जिन पे 56 इंची सीना पता पता कर रहे थे किसी
दीदी का अपमान कर रहे थे इनके प्रधानमंत्री जी, मतलब यूपी में रहिए, इस देश में नहीं हुआ कि किसी को दीदी बोला जाए, उसका अपमान किया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आपके बाकी साथियों को जोड़ते हैं। चौबे जी बस ठीक है, आते हैं हम आपके पास। स्नान करके थूक के किस दोषद्रोही पार्टी में हम ठीक है चौबे जी, आवास हो गया ठीक है, या तो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं या तो टीएमसी में जा रहे हैं। चौबे जी आपकी बातों से सुधीर जी हंस रहे हैं, मैं आपसे बाद में आऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा, पहले मैं सुन लीजिए, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ लूं। सत्यजीत जी हमारे साथ मौजूद है, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, आ रहे भाई, आ रहे, आ रहे सर, आ रहे हैं, आ रहे चौबे जी, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। सत्यजीत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जो 37 साल में नहीं हुआ वो आज पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुआ है कि बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित करा के, क्योंकि बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है लेकिन अपोजिशन में नहीं है, सत्ता में है। तो ऐसा कहा जाता है कि अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो प्रत्याशी घोषित करती है, लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव जीत लिया है। आप इस बात को कितना सही मानते हैं? और दूसरी तरफ किसानों का आज ये जो जो जगह जगह पर ट्रेन रोको आंदोलन था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कह रही है या सरकार कह रही है कि ये बिल्कुल से नाकाम हो गया है, कोई इसका कोई असर देखने को नहीं मिला, आपकी नजर में ये नाकाम है? नितिन जी, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को मैं देख रहा हूं कि फासिज्म की तरफ जा रही है, फासीवाद की तरफ जा रही जी। वैसे भी ये कहते हैं कि हिटलर नेपोलियन की बात करते हैं, ये जात धर्म का उन्माद पैदा करते हैं और जातियों को, जातियों के एक समूह को महान बताते हैं, अपनी पुरातन संस्कृति की रक्षा की बात करके लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तो रक्षा नहीं करनी चाहिए पुरातन संस्कृति, उस आधार पर ये वोट मांगते हैं और सत्ता में आने का प्रयास करते हैं और कहीं कहीं सफल भी हो जाते हैं। तो सफलता का इनका मानक अलग होता है जी। कानून भी इनके लिए अलग है, आम जनता के लिए दूसरा कानून है लेकिन इनके लिए अलग से कानून है। जहां तक लखीमपुर की बात है, लखीमपुर में विश्वास मानिए नितिन जी कि अगर कोई अपराधी होता और इस तरीके का काम किया होता तो उसके घर गिरा दिए जाते, भले वो अपराधी ना होता, इनकी निगाह में अगर अपराधी होता। लेकिन अब ये कहते हैं कि कोर्ट पे विश्वास कीजिए, कोर्ट फैसला करेगा, जांच बैठ गई है, जांच टीम जो रिपोर्ट कोर्ट को देगी, कोर्ट का जो है आप इंतजार कीजिए। मैं पूछता हूं कि इस तरीके घटना होती ही क्यों है? क्या पूर्व में आपको पता नहीं होता कि ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं? और अगर घटित हो सकती, क्या आपकी एजेंसियां इसका पता नहीं लगा सकती? जो सरकार है उसका यह दायित्व बनता है कि कोई भी घटना चक्कर बढ़ाइए, सरकारी एजेंसियां ही जांच कर रही हैं। यह दायित्व नहीं होता कि घटना घट जाए उसके बाद आप जांच एजेंसियों की बात करें, घटना घट जाए उसके बाद आप कोर्ट की बात करें। पूर्व में आपकी एजेंसियां हैं, आपकी तमाम एलआईयू से लेकर के खुफिया एजेंसियां हैं, आपने क्यों नहीं लगाया? क्या आपकी सरकार सुस्त है? क्या आपकी सरकार निष्क्रिय हो चुकी है? क्या आपकी सरकार या आपकी सरकार के जितने भी अधिकारी हैं आक्रमण हो चुके हैं? क्या फिर शासन प्रशासन पे आपका कब्जा नहीं रह गया है? कहने का अर्थ है कि जंगल लाज कायम है। कानून दो तरीके से इनके यहाँ चलता है, एक तरीके से कानून नहीं चलाते हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। अच्छा, और ये सर ये जो उपाध्यक्ष वाला चुनाव हुआ है, आप इसे किस नजरिए में देखते हैं? इसको अभी मैं देखता हूँ, मैंने तो पहले कहा फासिज्म की तरफ जा रहे हैं, संसदीय प्रणाली व्यवस्था जो है वो सारी टूट रही है, खत्म हो रही है, लोकतंत्र के को आघात पहुंच रहा है और लोकतंत्र को ही आघात नहीं पहुंच रहा है, जो परंपराएं पहले से बनी आई है उन परंपराओं को तोड़ा जा रहा है और हमें लगता है धीमे 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 ये पूरी तरीके से फासिज्म की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, हर तंत्र पे इनका कब्जा होगा। विरोध की बात रही, अगर आप विरोध करोगे, अगर आप सड़कों पर उतरोगे जनहित के मुद्दे को लेकर के, तो आंदोलन करने के लिए आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, गोली भी चलाई जा सकती है जी। आपको उसी में दोषी भी बनाया जा गोली सकता चलाने है का काम मतलब गोली ये चलाएंगे, कदमा आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ये सब परेशानियां भारतीय जनता पार्टी शासन काल में जब तक सरकार रहेगी तब तक रहेगी और ये लगातार बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। और मैं इस बात को कहूंगा, पता है आपको सरकार जाने वाली नहीं है, इससे मुक्ति चाहिए और किसी तरीके से जनता 2022 में मुक्त पाने के लिए छटपटा रही, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ठीक है जी, जी हमारा अपना मानना है कि ये सरकार पूरी तरीके से आक्रमण हो चुकी है और किसी भी माने में काम पर ध्यान ना दे करके पूरी तरीके से चुनावी मोड में तो हमेशा रहते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आज चुनावी मोड में आए हैं, केवल चुनाव आ गया है तो इनको जनता से मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि चुनाव में कैसे जीतना है, छल कपट प्रपंच बेईमानी धुरतई मक्कारी कैसे हमें कब्जा करना है, जातियों में उन्माद पैदा करना, धर्मों के बीच में लड़ाना,
जात धर्म वर्ग बिरादरी के बीच में उन्माद पैदा करना यही इनका काम रहेगा। अच्छा ठीक है, इससे हमें बचना है, इससे हमें जनता को सचेत करना है। ठीक है सर, ठीक है। सुधीर जी कुछ कह रहे थे आप। देखिए सारी बातें तो ये लोग खुद ही कह दे रहे हैं, मैं इनकी बातों को क्या कहूं। अगर आपने आज अखबार पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कांग्रेस का तो अब जैसे हमने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो ये अपने आप ही कांग्रेस भारत मुक्त हो रही है। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कहती हैं कि मैं ही कांग्रेस की अध्यक्ष हूं। मीडिया इसको संज्ञान में ले, तो आपने भी संज्ञान में लिया होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह कहना पड़ रहा है कि मीडिया संज्ञान में ले कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पूरे पूरे चुनाव के बाद में पूरा समय बीतता चला गया, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष पलट करके अपने संसदीय क्षेत्र में कभी नहीं जाती, उनका प्रतिनिधि उनका जीत का प्रमाण पत्र ले जाता है, तो वो देश के समाज की चिंता क्या करेंगे जब अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की चिंता नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस वालों से इतना डर क्यों लगता है आप लोगों को, क्योंकि जब भी वो कहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग पहले उन्हें गिरफ्तार कर वो जाते ही नहीं कहीं है। नहीं वो जा रहे थे, लखीमपुर जा रही थी प्रियंका गांधी, आपने उन्हें रास्ते में कई जगह रोका, गिरफ्तार कर लिया। देखिए प्रियंका जी कांग्रेस का एक पुराना तीर हो चुकी है, अब काम नहीं आने वाला है, अब काम नहीं आने वाला है, वो काम नहीं आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस देश को लूटने घसोटने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी आज सर्व समाज को संरक्षण देते हुए देश के अंदर सबको संगठित करते हुए देश के विकास के लिए काम कर रही है, और आने वाले समय में आप निश्चित रूप से जानिए कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, अगर ये चुनाव अभी ना हो रहा होता तो ये सभी चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे प्रसपा हो कोई भी अब तक सड़कों पे दिखाई न देता है, कहीं घर के बाहर न निकलता। ये हमको कहते हैं कि लग्जरी गाड़ियों चलते हैं, लेकिन हम चलते जरूर हैं सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री सुरक्षा मानक के अनुसार चलते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कानून लागू किया कि कोई भी लाल पीली नीली बत्ती लगा करके नहीं चलेगा, सब आम आदमी की तरह से चलेंगे। ये केवल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही लागू किया, और आप देख रहे होंगे कि आज कहीं के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन को लांघने का काम नहीं करता है, देश के लोगों के साथ में समाज के लोगों के साथ में उनके साथ खिलवाड़ नहीं करता है। कहीं पर सड़क जाम करने का प्रयास आप कर रहे हैं, कहीं पर रेल चक्का लगा जाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त नहीं होने देगी, चाहे जितना बड़ा कोई भी आंदोलन करने का होगा, बिना अनुमति के कोई भी कार्रवाई नहीं की। उपाध्यक्ष के चुनाव को फासिज्म करार दिया है सत्यजीत सिंह ने। देखिए मैंने पहले ही कहा, और जो आरोप लगा रहे हैं आप कि कांग्रेस ने जितनी लूट खसोट करी अपने शासन काल में, वही थोड़ी देर पहले अजय चौबे जी आपके शीर्ष नेतृत्व पर लगा रहे थे, आपके बगल में ही बैठे। देखिए इनके पास तो कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, चौबे जी के पास में, इनकी पार्टी के पास में। अच्छा अब इनके पास में केवल एक काम यही बचा है कि आरोप प्रत्यारोपों का खेल खेले। मैंने कहा ना कि जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह कहना पड़ रहा है कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं कांग्रेस की, मीडिया इसको संज्ञान में ले, आज अखबारों में मैंने पहले पन्ने पे पढ़ा इसको जो है, तो जब ऐसा डर उनको सता रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि ये लोग अपना ध्यान दें, नहीं तो सोनिया जी कहीं ये ना कहें कि मैं कह चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ठीक है सर, ठीक है, हम जवाब लेते हैं। चौबे जी जो बातें अभी आपने सुनी हैं, कितना सहमत हैं आप उस बात से? क्या प्रियंका गांधी अब वो पुरानी तीर हो गई हैं आप लोगों के लिए जो कि चल नहीं सकती हैं? देखिए प्रियंका गांधी जी पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, रणचंडी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, आज वो साक्षात इंदिरा गांधी का अवतार लेके माँ दुर्गा के अवतार में पाकिस्तान के चार टुकड़े करने वाली है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ था, संसद भवन पे हमला हुआ था, उन हत्यारों को जेलों में भारतीय जनता पार्टी ने खूब छक छक के बिरयानी खिलाई थी। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उन दोनों हत्यारों को, अजमल कसाब और अफजल गुरु को फांसी देने का काम किया था, और इसके पहले इन
विमान भी इनकी सरकार में, पूर्व सरकार में हाईजैक हुआ था, आतंकवादियों को इनके मंत्री पाकिस्तान तक छोड़ने गए थे 56 भोग खिलाते हुए। ये क्या बात करेंगे राष्ट्रवाद की, ये तो पाकिस्तान के साथ मिले हैं, ये कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम कराते हैं, आरोप दूसरे पे मरते हैं, ये उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का कत्लेआम करते हैं, आरोप दूसरे पे मरते हैं, इनकी सरकार में संतों की हत्या होती है, आरोप जवाब दूसरे से मांगते हैं, किसानों की हत्या हो रही है, कश्मीर में ब्राह्मणों की हत्या करवाने का काम किसने किया, कश्मीर में दंगे फसाद किसके शासनकाल में होते थे, ये इनको पता नहीं, इनको याद नहीं, इनको प्रवक्ता महोदय को जानकारी नहीं है। आज कश्मीर को आजाद कराने का काम जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र दामोदर लाल मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में करके दिखाया, आज कश्मीर आजाद है, और जो कश्मीर आजाद नहीं है उसको भी हम घुस के लेंगे, पाकिस्तान में जो हमारा बुला कश्मीर है हम उसको भी घुस के लेंगे। ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनके पेट में दर्द हो रहा है, आज जिस प्रकार से हिंदुओं में अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचार को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आप क्या करेंगे, आप क्या बताएंगे, आपने क्या किया है, आप तो देश के भीतर जो हम कर रहे हैं सबको दिखाई दे रहा है, आज आजाद कश्मीर दिखाई दे रहा है, आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाई दे रहा है, और जो गुलाम कश्मीर है उसको भी हम लेंगे, हमने कहा है, और हम घर में घुस के मारने का काम करते हैं, हमने कहा हम घर में घुस के मारने का काम करते हैं, लौट आने आप, लौट आना उसकी राजनीति पर, लौट आना जाती राजनीति पर, आपके पार्टी के अपराधी इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की बुलंद संग दंगे में हत्या करते हैं, अरे आपके दामन पे तो इतने खून के धब्बे पड़े हुए हैं, इसीलिए आपका कलर, आपकी तो धोती लाल है, आपकी तो धोती लाल है खून से, इतना आपने अत्याचार हिंदू समाज पे किया है, आरोप लगाने से सत्य पे असत्य नहीं विजय हो सकता, अभी दशहरा पर्व था, अभी अभी आपका रावण लगता है मरा नहीं है, आपके प्रधानमंत्री जी क्या ये बताएंगे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये ऐसा क्यों कहा कि मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। चौबे जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, चौबे जी एक सवाल का जवाब दीजिए, सुधीर जी बार बार ये कह रहे हैं कि आज सोनिया गांधी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि मीडिया मुझे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष समझे, हम इस बात को कैसे समझे, क्योंकि बीजेपी को तो ये बात हजम नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार बार ये बताना पड़ जा रहा है, क्या कारण है इसका, अगर इसी तरह से रहा तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आप लोग कैसे लड़ेंगे, और बीजेपी इसी वजह से आप लोगों को कमाक रही है। अरे इनके प्रधानमंत्री जी को बार बार बताना पड़ता है कि मैं ही सुप्रीमो हूँ, इनके मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ता है कि मेरे ही नेतृत्व में चुनाव होगा, मैं ही अगली बार बताऊंगा, तो खुद जवाब इनसे पूछ लीजिए। रह गई बात सोनिया जी, आप अपनी बात करो, अपनी बात करो, सोनिया जी ने इस राष्ट्र के लिए अपनी बात करो, उन्होंने क्यों कहा, आखिर आप लोग क्यों उनको इतना परेशान किए हो, इनके पार्टी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री की कुर्सी गुरु को धक्का दिया है। चलिए चलिए देखिए मुद्दे पर रहिए, नहीं ना अजय भाई सुनिए मेरी बात, सुनिए प्लीज मुद्दे पर रहिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष के चुनावों की और लखीमपुर खीरी हिंसा और कृषि कानून को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर, तो कृपया करके आप सबसे अनुरोध है कि मुद्दे पर ही बात करिए, कश्मीर मुझे नहीं जाना है। आज तक परंपरा रही है कि अपोजिशन को उपाध्यक्ष का कुर्सी दे दिया जाता था, आज ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना के ही क्या करेंगे, पिछली आप विधानसभा की कार्यवाही निकाल लीजिए, उसके पिछली विधानसभा की कार्यवाही निकाल लीजिए, 403 विधायकों के, हम नहीं कर रहे, हमारी पार्टी के सपा बसपा भाजपा रालोद किसी भी पार्टी के विधायक ने अगर सरकार से जनहित के मुद्दे पे किसी भी क्वेश्चन पे जवाब मांगा है तो ये सरकार जवाब नहीं देती है। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुंदेलखंड में नियुक्ति घोटाला हुआ है इनकी सरकार में, उस पे जवाब मांगा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज तक नहीं दे पाए, और पिछले बार तो पूरे 403 विधानसभा के विधायकों का ही क्वेश्चन स्वीकार नहीं किया ताकि सदन को जवाब न देना पड़े, जनता को जवाब न देना पड़े। और सिद्धार्थ नगर में आपने देखा मंत्री के भाई ने आपदा में अवसर का लाभ कैसे उठाया, न उस मंत्री पे कार्रवाई हुई, न उस भ्रष्ट वाइस चांसलर की गिरफ्तारी हुई। चलिए ठीक है, ठीक है, आरोप उन्होंने तय कर दिए, यही देश की अदालत है, अभी देश की अदालत है, अपने पार्टी को देख नहीं पा रहे हैं,
अपनी पार्टी में नेतृत्व का नहीं कर पा रहे हैं कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है कि मैं ही इस पार्टी की अध्यक्ष हूं बार बार कह रहे और ये हमारी पार्टी और कार्यपालिका के ऊपर विश्वास उड़ा रहे हैं क्या कहने भाई वाह वाह भाई वाह गैस सिलेंडर नहीं भगा भरवा पा रहे थे आज भुखमरी में हमारा देश पाकिस्तान से पिछड़ गया है आज बांग्लादेश ठीक है जी ठीक है आज अन्नदाता रो रहा है 608 किसानों की हत्या हो गई है ठीक है ठीक है हो गया प्लीज हो गया आता हूँ मैं आता हूँ फिर से आज तो घड़ियाली आंसू बहा लीजिए चुनाव आएगा तो फिर बहाएंगे चुनाव बाद तो आप रोएंगे ही ठीक है अभी रो के क्या करिएगा चुनाव बाद ठीक है सुधीर जी हो गया प्लीज सुधीर जी हो गया मिसम भाई आप क्या देखते हैं ये जो आज उत्तर प्रदेश में ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम घटा है क्योंकि कहा जाता है कि विपक्षियों को ये उपाध्यक्ष की कुर्सी दे दी जाती रही लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर भी आप लोगों का खेल जो है वो खराब कर दिया हालांकि कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अपने विधायकों को टेस्ट करना चाह रहे थे उनके खुद के विधायक जो है वो बीजेपी को वोट दे के आए ये बात है लेकिन आप किस नजरिए से इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो आज घटा है चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर नितिन जी जाहिर सी बात है कि इनके मन में डर है इनके मन में डर है कि कौन सा डर है? इसी बात का कि जनता आपकी जो इनको इसके जो महंगाई आप देख रहे हैं ना महंगाई की मार जो जनता पर है इसकी मार पलट करके सिलेंडर की मार बीजेपी पे पड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ये इस बात से भयभीत हैं ये डर रहे हैं तो इनका काम यही है कि कैसे आंकड़ों की राजनीति है इनकी ये हर बात में आंकड़ा देते हैं अभी आप देख लीजिए इससे पहले सेमिनार हुआ था लखनऊ में कि उद्योगपति पूंजीपति बुलाए जाएंगे इन्वेस्टमेंट होगा हजारों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ खूब तालियां बजी सब लोग खुश भी हुए पटरी दुकानदार से लेकर के और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी खुशी जाहिर करी कि चलो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापार होगा खुश हो गए लोग अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और ये हुआ एक तरफ तो आप 56 इंच का सीना बताते हो एक तरफ बताते हो कि हमने देश की सुरक्षा करी एक तरफ डुकला में चाइना को आप बिठा देते हो उसकी आप बात कभी नहीं करते हो महंगाई की बात आप करते नहीं हो कानून की बात आप करते नहीं हो किसानों की बात आप करते नहीं हो नौजवानों की बात आप करते नहीं हो व्यापारियों की बात आप करते नहीं हो आप बात किस चीज की करते हो आप आंकड़े बताते हो कि समाजवादी पार्टी तो 60 वोटों में सिमट गई कांग्रेस के 3 विधायक तो मेरी तरफ भाग करके आ गए ये क्या है ये किस तरह की नीति है और किस तरह की राजनीति है कि आप सिर्फ आंकड़े और जोड़ तोड़ पर जीतने हारने पे लगे हैं कोरोना का टाइम है आपने चुनाव करा दिया पीठासीन अधिकारी मार दिए गए उसका आंकड़ा आप नहीं देंगे वो आप कभी नहीं बताएंगे क्यों क्योंकि उसको आपको बताने में जनता के सामने आपका चेहरा उजागर होगा आपके चेहरे से नकाब हटेगा आप वहां पर हट जाते हो उसके बाद फिर अब 2022 की तैयारी आप किस मुंह से 22 की तैयारी कर रहे हो आपने जनता से पूछा है आप विधानसभा में पैसे से खरीद करके देश का सामान व्यापारियों को बेच करके और उन्हीं से आप पैसे कमा करके और उसी से विधायक तोड़कर मंत्री तोड़ करके आप राजनीति कर रहे हो ये राजनीति क्या उस वक्त भी चलेगी जिस वक्त एक गरीब अपने घर से वोट डालने निकलेगा तब आप कितना पैसा देने के इरादे में हो भारत की 125 करोड़ की जनता को कितना रुपया दे करके आप वोट में परिवर्तित करना चाहते हो वहां नहीं हो पाएगा वहां आपका नहीं चलेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा शर्म करनी चाहिए बीजेपी के लोगों को कि ये डिबेट में आकर के बैठते हैं और चीखते हैं पुकारते हैं चिल्लाते हैं कि जैसे मंडी में बैठे हो अरे बात करो मुद्दों पर बात करो आपने क्या किया ये बता रहे ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रही है इनके लिए मुद्दा है अब इनके लिए मुद्दा है सोनिया गांधी जो है वो पुराना तीर हो गई है वो जंगीली तलवार हो गई है टीका टिप्पणी करना गए तो थे बिहार के वहां आपके बंगाल के अंदर ए दीदी ओ दीदी करने के लिए इनके सबसे बड़े नेता क्या हुआ वही काम ये यूपी में करने जा रहे हैं कि प्रियंका जी के लिए हम कहते हैं किसी भी महिला का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में या जनता कुछ और मूड बनाए हुए है देखिए जनता ने जो मन बना लिया वो सड़क पर दिख रहा है जब इनसे अभी बात ये की गई अभी देखिए आप मेरे बीच में बोलिए मेरी बात सुनिए अभी जब इनसे ये बात कही कि ये चुनाव का टाइम है तो सब लोग सड़क पर आ गए हैं इससे पहले कहां थे मान्यवर आपको जानना चाहिए किसान किसी पार्टी में नहीं है किसान सड़क पर आया है ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है सड़क पर या कांग्रेस की या बसपा की या और दीगर पार्टियों के ये किसान रोड पर आया हुआ है आप किसान को भी किसी पार्टी से जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ दें किसान आपको बता देगा हम किस पार्टी में
2022 में, वो आगे की बात है। मगर जो रोड पर आया है वो किसान है, नौजवान है, गरीब है। सिलेंडर 1000 से ऊपर चला गया, उज्ज्वला योजना आप चला रहे हैं। तो बीजेपी इन्हीं सब चीजों को तो कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल के नेताओं को ला रही है। क्या सेंट्रल के नेताओं का कोई इफेक्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा? अब आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। इनके पास एक रिमोट कंट्रोल है, वो है इनके पास धन, इनके पास है रुपया, बाहुबल, इनके पास सरकार, इनके पास सरकारी मशीनरी, इनके पास अधिकारी, इनके पास बंदूक, इनके पास गोलियां, इनके पास टैंक, ये सब कुछ इनके पास है। और ये पूरी ताकत 2022 से पहले झोंक देना चाहते हैं, देश का सारा रुपया करके ये कंगाल कर देंगे। और जब दूसरी सरकार आकर के बैठेगी तो उससे ये सवाल जवाब शुरू कर देंगे, आपने क्या किया, आपने क्या किया। अरे हम तो इसलिए भी बैठे रहे देखने के लिए कि जब हम बाहर आते थे सड़क पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो आप कहते थे साहब ये काम नहीं करने दे रहे हैं। जब काम नहीं करने देंगे तो हम काम कैसे करेंगे? ये लाइन आर्डर में रोड़ा बन रहे हैं। इनको लाइन आर्डर हम देखें कि हम गरीबों को देखें, हम किसानों को देखें, नौजवानों को देखें। तो जब हमने निकलना बंद किया तो आपने उसको पलट करके कहा कि घर में बैठे सो रहे हैं। और जब हम निकल करके आते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, किसी का हालचाल लेने के लिए चाहते हैं, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो, चाहे वो कहीं की भी हाथरस की घटना हो, आप अरेस्ट कर लेते हैं, आप रोक लेते हैं, आप जाने नहीं देते। तब आपको डर रहता है कि ये सारी बातें जनता तक, लोगों तक पहुंच जाएंगी, लिहाजा आप रोकने का काम करते हैं। तो आपका जो दोहरा चरित्र है, जो दोहरा मापदंड है, ये जनता के सामने आ चुका है और ये सब कुछ जान चुका है। और ये 2022 ख्वाबों ख्यालों की बातें कर रहे हैं, एक बार मौका आपको दिया है, 14-15 साल बाद आप आए। आप ये मत भूलिए कि आप 1500 साल से राजनीति कर रहे हैं। जब 1400 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज नहीं रहे तो ये क्या रहेंगे? जनता सबको सबक सिखा देगी वक्त। ठीक है, ठीक है। सत्यजीत जी, जैसा कि अभी बीजेपी के जो नेता थे वो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, जो कि पुरानी सरकारों में थी, उन व्यवस्थाओं से बेहतर हमारी सरकार ने काम किया है और उसी का नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश में चौतरफा विकास हो रहा है, जैसा कि उनकी बातों से लग रहा था। चुनावों पर उन्होंने ये कहा था, क्योंकि सुरेश खन्ना जो कि मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने भी साफ तौर पर आज इस बात को कहा है कि समाजवादी पार्टी या फिर अन्य विपक्षी दल अपना प्रत्याशी नहीं दे पाए, इसी वजह से हमें अपना प्रत्याशी घोषित करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि 4 साल में इन्होंने प्रत्याशी नहीं घोषित किया, अचानक से इनको प्रत्याशी की याद आ गई कि भैया ये वाली कुर्सी तो खाली है और हो सकता है कि विपक्ष यहाँ पर लड़ ले तो चलो प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं। तो एक तरफ विकास भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सदन में आप लोगों को चुनाव भी नहीं लड़ने दे रहे हैं। नितिन जी, अगर किसी को सीखना हो, शब्दों के जाल को अगर सीखना हो कि शब्द जाल कैसे फैलाए जाते हैं जी, किसी को प्रपंच सीखना हो, भ्रम भ्रांति की स्थिति पैदा करना सीखना हो जी, तो भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। आप एक चीज बताएं नितिन जी, इनसे नहीं पूछूंगा, बीजेपी वालों से नहीं पूछूंगा, ये सही नहीं बताएंगे जी, इनकी मनसा ही नहीं है सही बताने की, ना तो ये स्वयं मनसा रखते हैं और ना ही जो है बताने की मनसा से हम पूछेंगे तो बताएंगे। क्या स्थापित मान्यताओं और परंपराओं को समाप्त कर देना सही लोकतंत्र का परिचायक है? आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर स्थापित मान्यताएं और परंपराएं समाप्त कर दी जाए वो सही लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र को मैं ठुकराता हूं। अगर ऐसा लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी कायम करना चाहती है तो उस लोकतंत्र से मुझे दिक्कत है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, उनके विधायक ही नहीं है, श्री शिवपाल श्रद्धेय शिवपाल यादव जी को दिक्कत है। क्या कह रहे हैं सुधीर जी? कुछ कह रहे थे सुधीर जी, कुछ कह रहे हैं। हमने कहा आपके पास विधायक ही नहीं है तो आपको दिक्कत क्या होगी? सुधीर जी सुन ले, कौन है भैया, आवाज साफ नहीं। ये बीजेपी से सुधीर जी है, इनका ये कहना है कि आपके पास विधायक नहीं है इसी वजह से आप लोग को दिक्कत हो रही है। हाँ मैं बोलता हूँ सुधीर जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो सुन ले, क्या पता है कि इनके पास 2 लोकसभा सदस्य हुआ करते थे, इनको पता है कि 14 साल तक इन्होंने वनवास काटा था, ये पता है इनको, इनको पता है कि 2017 के पहले इनकी स्थिति क्या थी, कोई भी प्रत्याशी इनका 2000-4000 से वोट ज्यादा नहीं पाता था, भूल बस भ्रम बस लोगों ने इनको चुना है। सत्यजी जी पहले घर की लड़ाई सुलझा लीजिए, फिर हमारी लड़ाई में आइएगा। नितिन जी क्या पूछ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। घर की लड़ाई सुलझा लीजिए, चचा भतीजे की भाई की पहले सुलझ लीजिए, तब उसके बाद में आइए समाज के बीच। आप तो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं भाई, आप क्या बात करोगे देश समाज की बात नहीं संभाल, आप क्या विधानसभा की बात करोगे? आप सुनिए, आपका ये दंभ बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे, आपका अहंकार। हम सत्य बोल रहे हैं, हम सत्य की राजनीति करते हैं, हम सत्य बोल रहे हैं आपसे, आप बताइए ना
कि आप अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हो, अपने परिवार की महत्वाकांक्षा नहीं संभाल पा रहे हो, तो हमको क्या दोषी ठहरा रहे हो? पहले अपने घर में देखो, आपका घर नहीं ठीक है, आपके बड़े भाई का व्यवहार कैसा है, आपके भतीजे के साथ व्यवहार कैसा है? आप सत्ता में बने रहने के लिए अपने भाई और भतीजे को भी ठोकर मारने पे तैयार हो? समाजवादी पार्टी सीखे, आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी से सीखिए, आप क्या बात करोगे? आपने क्यों छोड़ दिया हमको? आपने क्यों छोड़ दिया हमको? सुपाल जी से 25 साल का, अरे आपने क्यों छोड़ दिया माननीय मुलायम सिंह जी को, माननीय अखिलेश जी को? काहे छोड़ दिया? मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है माननीय सुपाल जी यादव जी ने, आप सुनिए उसको, अरे घर परिवार तो एक रहना चाहिए था। क्या बोलता है आपके मुख्यमंत्री का? ऐसे प्रवक्ताओं को आप बैठाते हो नितिन जी? ये प्रवक्ता है, इनके मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, आप अपनी बात करो, अपने नेता की बात करो, हमारे मुख्यमंत्री की बात क्या करोगे? आप अपने नेता की बात करो जो अपने भाई को और अपने भतीजे को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। श्रीमान संदीप जी, आप उनकी बात करो पहले, पहले आप अपना घर संभालो, फिर हमारे घर की तरफ जाके देखना। तो क्या बयान दिया था? आप अपना घर संभालो पहले श्रीमान, मुख्यमंत्री के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। अरे मुख्यमंत्री के बयान पहले अपने घर के बयानों को देखो, अपने घर के बयानों को देखो पहले। आप मुख्यमंत्री अपना घर संभालो, अपना घर, अपना, आप अपने मुख्यमंत्री को इग्नोर कीजिए। आप कहिए कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ, तो प्रवक्ता हूँ बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री कुछ नहीं होता। आप बोलिए, आप मुख्यमंत्री को जवाब दीजिए पहले। मुख्यमंत्री से इग्नोर करते हो, मुख्यमंत्री को इग्नोर कीजिए। आपका मुख्यमंत्री कुछ और बोलता है, आप कुछ और बोलते हो। आप मुख्यमंत्री से बड़े हो गए हो, आप माननीय मुख्यमंत्री की बात कुछ और होती है, तुम्हारी बात कुछ और होती है। आप सीखो पहले, अपने मुख्यमंत्री से सीखो, अरे आप अपने पार्टी से सीखो ना पहले। पार्टी मानसरदेह सुपाल जी की तारीफ करती है, आप क्यों करती है? इसलिए करती है, 25 साल तक का उनका अनुभव है। उत्तर प्रदेश को उन्होंने चलाया, अखिलेश ने क्यों उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह ने क्यों निकाल दिया? आप क्या बात करोगे? पूछो ना, कह दो कि हमारे पास विधायक है कि नहीं। जनता मेरे साथ है, 22 में आपको जवाब दिया जाएगा। हम एक हो या दो हो, लेकिन समाजवादी है, समाजवादी विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ता। समाजवादी है आप, किस समाजवाद की बात करते हो? आप कौन सा समाजवाद है? अरे हम समाजवाद से चलता है, हम सर्व समाज समाजवाद से चलता है, समाज के हैं। आपके मुख्यमंत्री क्यों तारीफ करते हैं? आप बताइए, हमारा बूथ का बताइए, तारीफ क्यों बनता है? और छोटा सा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री, मुझे बोलना क्या है? आप किसी नहीं समझ पाते मैं क्या बोलूं? आपके मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री परिवार बोलते हैं, हम देश के अंदर सबको आजाद महोदय से कहिए कि तैयारी करके आया है। ठीक है, अगर ये तैयारी करके नहीं आते हैं तो डिबेट में जिरह बहस नहीं कर सकते। अरे आपको सबसे बड़ी बात है, इनके मुख्यमंत्री आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने, चलिए ठीक है प्लीज, ठीक है सर, ठीक है, इसका जवाब है ये आपके पास। देखिए मुद्दों पर रहिए, ठीक है, ठीक है। 25 साल तक चला है, मुद्दा 45 साल का लंबा इतिहास हो, ठीक है सर, 45 साल के लंबे इतिहास पर मुद्दा कुछ नहीं है, ये क्या बात करते हो? पार्टियों पर चर्चा फिर किसी दिन कर लेंगे, पार्टियों पर चर्चा फिर किसी दिन कर लेंगे। मिसम, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहने सुनने को तो जो कुछ है वो आपके सामने है, कि मेरी ये नहीं समझ में आता कि किस मुद्दे पर बात किया जाए। हर मुद्दे पर तो हमको ये सरकार फेल दिख रही है, और ये जनता से अपील करना चाहूंगा कि अब की बार सरकार को बदले। 2000 ये सुधीर जी से अभी जब सत्यजीत जी ने सवाल पूछा तो ये कहने लग गए कि आप लोगों ने शिवपाल जी को निकाल दिया, फिर पहले वो कह रहे थे कि शिवपाल जी खुद छोड़कर चले आए, आपस में सामंजस्य नहीं है, ये सारी चीजें कह रहे थे। वो कह रहे थे पहले परिवार संभाल लीजिए, फिर प्रदेश संभालेंगे आप लोग। देखिए, ऐसा है ना कि ये अपना आचरण और अपने अंदर तो झांकते नहीं है, ये दूसरों के चक्कर में लगे हुए हैं, ये दूसरों के लूपहोल देख रहे हैं, ये दूसरों की कमियों को उजागर करना चाह रहे हैं। जब इनसे किसी चीज की बात होती है तो ये नेहरू जी के समय पे चले जाते हैं, पिछली बातें शुरू कर देते हैं कि अखिलेश जी ने भतीजे के साथ क्या हुआ, राजचंद्र जी की बात, मुलायम सिंह जी की बातें करने लग जाते हैं। और जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आदरणीय राष्ट्रीय मुलायम सिंह जी से बड़ा उत्तर प्रदेश क्या भारत के अंदर ना कोई नेता हुआ है ना कोई हो पाएगा, जिन्होंने सर्व समाज को लेकर चले, सर्व समाज को लेकर के चले। और आज जो भी हमारे और शिवपाल जी के अंदर जो भी मतभेद है वो घरेलू बात है, और वो मगर विचारधारा एक है, विचारधारा समाजवादी है, विचारधारा हमारी उनसे अलग नहीं है।
हम बात करते हैं जब छोटी छोटी जातियों को लेकर के चलने की और छोटी छोटी जातियों के समीकरणों पर बात करते हैं तो ये वहां से भाग जाते हैं और इन्हीं के प्रधानमंत्री बैठ करके जातियों के आधार पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों को वीजा लगवाते हैं, अपनी पार्टी से उनको पोर्टफोलियो बांटते हैं, तब ये जातियों का जिक्र करते हैं और जब इनसे जातियों की जनगणना की बात होती है तो ये पीछे हट जाते हैं और फिर उसके बाद ये करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये सारी बातें उजागर हो जाएंगी तो जो अभी बताया उन्होंने सत्यजीत सिंह जी ने कि फांसीवाद वाली राजनीति चल रही है, हिटलर वाली चल रही है, नेपोलियन बोनापार्ट वाली चल रही है, इनका काम सिर्फ ये है कि मीडिया को कैसे मैनेज किया जाए, सरकार में रह करके कैसे सिस्टम को मैनेज किया जाए, कैसे उद्योगपतियों को रिझाया जाए, कैसे उद्योगपतियों की जो है चापलूसी की जाए और कैसे उनके धन को अपनी पार्टी में, अपनी मशीनरी में, अपनी पार्टी के लोगों में उसको दुरुपयोग किया जाए और उसको लगाया जाए, वो बात सामने आ चुकी है। देखिए उसको कोई छुपावा नहीं है और अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे थे मुलायम सिंह जी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि जाति आधार पर मतगणना कराई जाए। क्यों नहीं कराई इन्होंने? और जब ये जातियों के आधार पर मंत्रियों को और अपने यहाँ पोर्टफोलियो बांटने का काम करते हैं, अभी चुनाव आ रहा है फिर ये सम्मेलन कराना शुरू कर दिए, बहुत सम्मेलन शुरू करा दिया इन्होंने, दलितों के लिए सम्मेलन शुरू करा दिया इन्होंने, फिर से इन्होंने घेराबंदी लामबंदी शुरू कर दी है और वो इस बार नहीं चलेगी 2022। ठीक है अजय जी आपका नंबर, कुछ कहना चाहेंगे? जी बात साफ कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो है बड़ा बता रहे थे कि हम बहुत उफान पे हैं। मैं बता दूं कि कांग्रेस एक समंदर है और ये नदी नाले की तरह है, कुछ पानी हमसे निकाल लेते हैं तो ये इतराने लगते हैं, थोड़ा बहुत इन पे बूंदाबांदी हो जाती है तो ये इठलाते लगते हैं, अरे थोड़ी सी हमारी लहर आई, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक ही बार साफ हो गए, थोड़ी सी हमारी लहर आई, आप पंजाब में समाप्त हो गए, थोड़ी सी हमने अंगड़ाई ली, आप महाराष्ट्र से समाप्त हो गए। अच्छा, आपका केरल में, तमिलनाडु में अस्तित्व कहीं बचा? उत्तराखंड में आपके विधायक भाग रहे हैं ये आप नहीं कहेंगे, झारखंड में आप समाप्त हो गए, बिहार में आप किस तरह से लोकतंत्र का गला घोट के जीते हैं ये बात किसी से नहीं छिपी है, आप दिल्ली में अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं, हरियाणा में जिसको आप जेल भेजे थे बात चरित्र की करिए, जिसको आप जेल भेजे थे उसको जेल से निकाल के आप सरकार चला रहे हैं, ये आपके चाल चरित्र चेहरे को उजागर कर रहा है। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे क्या बात करेंगे? आपके प्रधानमंत्री दंगा के आरोपी रहे हैं फिर वो जेल में होंगे, आपके गृह मंत्री दंगा के आरोपी रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री दंगा के आरोपी रहे हैं, अपना मुकदमा खुद वापस लिए हैं, आपके गृह राज्य मंत्री दंगा के आरोपी हैं लखीमपुर खीरी हत्याकांड के, आप सारे दंगाई हो, आपसे जनता को क्या न्याय मिलने वाली है? किसानों की लड़ाई लड़ने में हमारी नेता प्रियंका गांधी जेल गई, प्रियंका गांधी जेल गई, किसानों को न्याय दिलाने में, अरे आपके नेता गए बनाई थी,
चलिए ठीक है, हाँ वो सब ठीक है। जंगल में नाचा मोर वाली बात। देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ पर अपने अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जी से प्लीज, अजय जी अजय जी अजय जी हो गया प्लीज हो गया, पर मैं सहमत नहीं हूँ। मैं इनसे कहूंगा कि ये बात को वापस अपनी ले कि कोई सेना कांग्रेस और बीजेपी की मारने नहीं जाती, देश की सेना होती है। बिल्कुल सही बात, ये बीजेपी की सेना नहीं होती है मान्यवर, और ये कांग्रेस की नहीं होती है, ये देश की सेना होती है। ये हर 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 व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, अच्छा जी चिल्लाइए नहीं चिल्लाइए नहीं, और ये अपने ऊपर लबादा ओढ़ लेना अच्छी चीज नहीं होती है। और बात मुद्दों पर, देखिए बात मुद्दों पर रहा करिए आप लोग प्लीज। अजय जी अजय जी अजय जी अजय भाई, अरे सुनो भाई, आप लोग सुनो तो कम से कम, आप लोग सुनो तो कम से कम, हम बात क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हो ये भी तो देखो। जनता का आप ध्यान नहीं भटका सकते हैं, आपने जो किया है और जो आपने करना चाहते हैं उसको खुल करके आप मीडिया के सामने, आपको देश देख रहा है, आपको प्रदेश देख रहा है, आप अपनी बात रखिए। आप कानून की बात करना चाहते हैं तो कानून की बात करिए, जहां आप फेल हो चुके हैं। जो आपका आदमी आपकी पार्टी में आ जाए वो दूध का धुला हो जाता है, क्यों नहीं। अगर आप कानून के मुद्दे पर मैं बात लेकर के आता हूं कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो क्यों नहीं अभी तक धनंजय सिंह की अरेस्टिंग हुई, क्या आप जवाब देंगे कि आपके कानून आपकी पार्टी के अंदर इतने बड़े डॉन हैं ब्रजेश सिंह, उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं है, उनके ऊपर क्यों नहीं उनकी अरेस्टिंग उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई, उनके उनके ऊपर करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टी है, आपने क्यों नहीं ढाया। श्री हरिशंकर तिवारी जी ने आपके लिए इतना कहा, हरिशंकर तिवारी जी आपने उनके लिए क्या, एसपी मणिलाल जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बात करना चाहेंगे कानून के ऊपर, आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, आप देख करके कार्रवाई क्यों करते हैं, आप पक्षपात क्यों करते हैं, आप जातिवाद पर प्रहार क्यों करते हैं, जिन पे कार्रवाई, आप इस पर जवाब दीजिए। जी बताइए, आप बताइए। नहीं जैसा कि अपराधी की बात कर रहे हैं, अपराधी की बात कर रहे हैं हम, अपराधी किसी का नहीं, अपराधी देखिए आप देख के कर रहे हैं। आपने 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 उन लोगों को क्यों बख्श दिया, नहीं जो नाम इन्होंने लिए उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, साफ कार्नर क्यों नहीं उनके लिए क्यों है, कहाँ हो रही है, सिर्फ आपकी पुलिस जाती है और नोटिस चस्पा करके चली जाती है। अवैध बिल्डिंगें गिराई जा, कहाँ गिराई, आप 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 आंकड़े देते हैं ना, आप आंकड़ा दीजिए, आप आंकड़े दीजिए, आपको माननीय सुधीर जी मेरी बात सुनिए, आपको किसानों से व्यापारियों से फुसकी नहीं है, आपको अपराधियों को पालने का काम और हम अपराधियों को जड़ से खत्म करने का काम करते हैं। तो उन्हीं में से कुछ नाम, उन्हीं में से कुछ नाम मिशन ने बताए। अच्छा ये बताइए, अच्छा अच्छा बात, अरे भाई चिल्लाइए नहीं, चिल्ला के कुछ नहीं होगा, एक सवाल का जवाब दीजिए, आप उनको अपराधी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हाँ या ना, अपराधी का कोई आप मजहब मानते हैं, कोई उसकी पार्टी मानते हैं, कोई उसका नेता मानते हैं, या अपराधी को सिर्फ अपराधी की दृष्टि से देखते हैं, आप इसका जवाब, आप हमारी बात का जवाब सुन दे रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सत्ता में आप उल्टा हमेशा विपक्ष से सवाल क्यों करते हैं। देखिए हम सवाल देंगे 2022 के बाद, आप यहीं बैठिएगा और जितने सवाल आपके हों, आपके नेता के हों, आपके प्रदेश के, आपके देश, सवाल आया ना, सब दाग दीजिएगा। मैंने कहा, हाँ जवाब दीजिए, आप जरा सुने धैर्य से, हाँ जी जवाब, मैंने आपसे कहा कि आपने अपने सवाल का जवाब भी अपने सवाल में दे दिया, आपने कहा कि आप अपराधियों को दंड दे रहे हैं, हम अपराधियों को दंड दे रहे हैं, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, आपने कहा, यानी कि आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन अपराधियों के साथ कार्रवाई कर रही है उनका कोई धर्म या कोई उनका मजहब देख करके नहीं किया जा रहा है, जो अपराधी है जिन्होंने इस समाज के लिए, इस देश के लिए खतरा बनने का काम किया है, उनके साथ में दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, और निश्चित रूप से उनके साथ कार्रवाई की जा रही है। मानवर मैं ये तो पूछ रहा हूँ, अरे भाई इन अपराधियों को आप किस थाने में रखा, ये पूछो आप अपने कांग्रेस के हमारे साथी, आप कांग्रेस की बात करते हैं, हमारे मुख्तार अंसारी जी जो पंजाब जेल से आने नहीं चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आने नहीं देना चाहते हैं, ये तो गुंडों को पालने का ठेका इनके पास है ना, अपराधियों को पालने ठेका कांग्रेस के पास है, कुछ विवेक तिवारी की लड़की तो अपराधियों को पालने काम करते हैं, विवेक तिवारी हत्यारे थे, वो आपका सुशासन देखने लखनऊ की सड़कों पे निकल गए, मुख्तार अंसारी आपकी बात है, सुधीर जी को बताइए, सुधीर जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, मुख्तार अंसारी देखिए एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, और अपराधी जेल में रहेगा,
खुला घूमने नहीं दिया जाएगा। वो चाहे जिस जात का जिस समुदाय का चाहे जिस वर्ग का हो, उत्तर प्रदेश की सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का चलिए समय हो रहा है, समय हो रहा है, समय हो रहा है। योगी जी की अजय जी, अजय जी, सुधीर जी, अजय भाई, सुधीर भाई, चुप रहिए, हो गया, समय हो गया, समय हो गया, अजय जी हो गया, बात आ गई, फिर जेल में होंगे, ठीक है, हो गया, अजय जी हो गया, अजय जी हो गया, अजय जी हो गया, बस ठीक है, ठीक है, ख्याली पुलाव है, ये तो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, चलिए ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है, कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम आप आगे कर रहे हैं, चलिए ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में। देखिए ऐसा नहीं होगा, प्लीज शांत रहिए, सुधीर जी, सुधीर जी शांत रहिए, अजय भाई प्लीज शांत रहिए, अजय जी शांत रहिए, प्लीज प्लीज शांत रहिए, डिबेट ऐसे नहीं होती है, मुद्दे पे नहीं है, आप लोग शांत रहिए प्लीज, डिबेट को खत्म करिए, समय हो चुका है, नहीं ठीक है सर, हो गया, प्लीज आप लोग मुद्दे पे नहीं रहते, आप जनता के मुद्दे पे नहीं है, प्लीज शांत रहिए, इस तरह से डिबेट नहीं होती है, ये कोई मछली मंडी नहीं है, ये कोई बाजार नहीं है, यहाँ पर मुद्दे की बात हो रही थी, लेकिन आप लोग जम्मू कश्मीर से लेकर कलकत्ता तक चले गए, ठीक है प्लीज खत्म करिए, हो गया प्लीज, हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है वो किस तरह से गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में इसी तरह से उठापटक उत्तर प्रदेश में दिखती रहेगी क्योंकि 2022 के चुनाव हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के लगभग वो सभी सक्रिय हैं और सभी चाहते हैं कि अपनी अपनी रणनीति तय करी जाए, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात अगर करने आप बैठेंगे तो इसी तरह का शोर शराबा ये राजनीतिक दल करते रहेंगे और जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास एक बार फिर से रहेगा। लेकिन मेरा एक बार फिर से आप सबसे अनुग्रह है, आग्रह है कि जब वोट डालने जाइएगा तो अपने और हमारे मुद्दों के बारे में सोचिएगा, जमीन के मुद्दों के बारे में सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।